हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा लकीज़ फर्स्ट लव और द वर्ल्ड ओज मी अ फर्स्ट लव के एपिसोड 13 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। डायरेक्टर चियान शाकी को इस हादसे के लिए सॉरी कहते हैं। डायरेक्टर चियान कहते हैं कि अगर हेयू ने सब कुछ ठीक से हैंडल किया होता तो गेम आइटम की रिलीज़ में एरर नहीं होता। हेयू कहता है कि उसने जानबूझकर टाइम चेंज किया था। तभी याओचिंग आकर बताती है कि सर्वर फेलियर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। डायरेक्टर चियान कहते हैं कि इस फेलियर के कारण प्राइस चेंज हो गया और शाकी को इतना नुकसान हो गया। याओचिंग कहती है कि ये सब सिस्टम फेलियर के कारण नहीं हुआ था, बल्कि हेयू ने जानबूझकर फर्स्ट 1000 बायर के लिए प्राइस कम किया था और उसके बाद प्राइस डबल कर दी गई थी। सेल के कारण गेम के फर्स्ट 1000 बायर को गिफ्ट भी मिल गया और प्राइस इंक्रीज के कारण शाके को घाटा भी नहीं हुआ, क्योंकि इस सेल के कारण उन लोगों ने 80,000 आइटम सेल कर लिए हैं। शाके कहता है कि हेयू सच में स्मार्ट है, ये सिस्टम फेलियर डायरेक्टर चियान नहीं करवाया होता है। शाके उन्हें हिंट देते हुए कहता है कि भले ही इस फेलियर का कारण कुछ भी हो, पर अब उसे हेयू के टैलेंट पर और भी यकीन हो गया है। शाके बाय बोल कर चला जाता है। चारों लोग मिलकर डिनर करने आते हैं। शाके कहता है कि आज हेयू याओचिंग के कारण बच गया। हेयू याओचिंग को थैंक्स कहता है। याओचिंग कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि डायरेक्टर चियान और हेयू की प्रॉब्लम के कारण TIG को नुकसान हो। शाके पूछता है कि उसे कैसे पता चला ये सब होने वाला है। याओचिंग कहती है कि उसने एम्प्लॉयज़ को बात करते सुन लिया था, इसीलिए उसने सब वक्त पर हैंडल कर लिया। हेयू कहता है कि याओचिंग ने शाके और हेयू दोनों को ही बचा लिया। चारों सेलिब्रेट करने लगते हैं। शेंचिंग को कोई उसकी शादी की बधाई देने के लिए एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है। शेंचिंग समझ जाती है कि यह उसकी ग्रैंड मदर ने दिया है। शेंचिंग उनसे मिलने आती है और कहती है कि उसे ये गिफ्ट नहीं बल्कि उनकी ब्लेसिंग चाहिए। ग्रैंड मदर शेंचिंग से पूछती है कि क्या वो अब भी उनसे हेट करती है क्योंकि उसने लिंगशैन और उसे दूर कर दिया। शेंचिंग कहती है कि वो उन्हें हेट नहीं करती है, बस वो नहीं चाहती थी कि वो उनके इशारों पर चले। शेंचिंग कहती है कि उसे आज तक शाओशी को जन्म देने का कभी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि शाओशी को जन्म देने के बाद उसे समझ आया है कि उसकी ग्रैंड मदर ने सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है। ग्रैंड मदर शाके की लव लाइफ के बारे में पूछती हैं तो शेंचिंग कहती है कि अब शायद ज़्यादा दिनों तक वो सिंगल नहीं रहेगा। शेंचिंग शिंग्युन को उसकी बेकरी में इन्वाइट करती है। शेंचिंग शिंग्युन को शाके का फेवरेट केक बनाना सिखाने लगती है। शिंग्युन ब्लैक फॉरेस्ट की स्टोरी सुनकर कहती है कि ये केक बिल्कुल शाके की तरह है, दोनों में ही कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। हेयू ज्वेलरी शॉप से याओचिंग को कॉल करता है और पूछता है कि उसे इयररिंग चाहिए या फिर नेकलेस चाहिए। याओचिंग कहती है कि उसने हेयू की हेल्प नहीं की थी। हेयू कहता है कि उसे पता है कि याओचिंग ने शाके की हेल्प की थी। हेयू कहता है कि याओचिंग का बर्थडे आने वाला है, वो इसीलिए गिफ्ट खरीद रहा है। हेयू याओचिंग के लिए इयररिंग ले लेता है। शेंचिंग शिंग्युन से पूछती है कि अगर शाके उसका बॉस नहीं होता तो वो शाके के बारे में क्या सोचती। शिंग्युन कहती है कि वो सोचती कि शाके के पास पैसे तो बहुत हैं पर शब्दों की कमी है। शेंचिंग हंसकर कहती है कि पहले शाके बहुत ही क्यूट था। शिंग्युन ये सुनकर हंस देती है। शेंचिंग कहती है कि वो सिर्फ क्यूट ही नहीं था बल्कि शो ऑफ भी था, और भले ही वो डरा क्यों ना हो, वो फिर भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। शेंचिंग और शिंग्युन शाके के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शाके आ जाता है। शिंग्युन उसे देखकर चुप हो जाती है। शेंचिंग कहती है कि शाके बिल्कुल सही वक्त पर आया है, क्योंकि अब शिंग्युन का बना हुआ केक बेक हो चुका है। शिंग्युन केक की आइसिंग करने लगती है। शाके उसे देख रहा होता है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। शाके एक पेट शॉप में होता है। वहाँ पे वो पहली बार शिंग्युन को देखता है, जो कि एक स्ट्रे कैट का इलाज करवाने आई होती है। शिंग्युन का केयरिंग नेचर देखकर शाके उससे इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए उसने शिंग्युन को हायर किया होता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। शाके शिंग्युन के क्लोज आकर कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि शिंग्युन इतना मेसी केक बना रही है। शाके को क्लोज देखकर शिंग्युन चौंक जाती है और उससे गलती से केक नीचे गिर जाता है। केक को देखकर शिंग्युन कहती है कि वैसे भी ये केक अच्छा नहीं रहा होगा क्योंकि उसने पहली बार बनाया है। शाके कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है।
ये देखकर शेन चिंग उसके पैरों पे किक मारती है और शिंगयुन को बहाना बनाकर बाहर भेज देती है। शाह के केक टेस्ट करके कहता है कि केक इतना भी बुरा नहीं है। शेन चिंग कहती है कि अगर शाके शिंगयुन को लाइक करता है तो उसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। शाके धीरे से कहता है कि वो कर भी क्या सकता है। शेन चिंग ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि अब से शाके उसकी हर बात माने तो शिंगयुन उससे ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगी। शिंगयुन रास्ते में हेयू से मिल जाती है। हेयू कहता है कि वो उसे कुछ देना चाहता है। शिंगयुन उसे इग्नोर करके जाने लगती है। हेयू कहता है कि उसके फ्रेंड ने मंगा बुक की शॉप खोली है और उसके पास लेटेस्ट मंगा की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट है, तो क्या वो शॉप पर उसके साथ चलेगी? शिंगयुन पहले तो मना करती है, फिर कहती है कि वो अपना काम ख़त्म करके उसके साथ चल सकती है। शेन चिंग शाके को कहती है कि हेयू भले ही प्लेयर है पर उसमें कई अच्छी क्वालिटी है जो एक नॉर्मल लड़की को चाहिए, पर शाके हमेशा अपनी अच्छाई छुपा कर रखता है। शेनचिंग कहती है कि अगर शिंगयुन उससे इम्प्रेस ना हो तो वो अपनी ट्रैजिक स्टोरी से ही उसका दिल जीतने की कोशिश करे। शिंगयुन और हेयू शेनचिंग की शॉप में आते हैं। शिंगयुन शेनचिंग का सामान देखकर हेयू के साथ जाने लगती है तो शाके जानबूझकर पानी का ग्लास गिरा देता है। शिंगयुन पूछती है कि क्या वो ठीक है। शाके कहता है कि उसका जैकेट खराब हो गया है, तो क्या वो इसे वॉश करवा के उसके घर उसे ड्रॉप कर सकती है? शिंगयुन गुस्सा होकर कहती है कि वो उसकी नौकर नहीं है। ये कहकर शिंगयुन चली जाती है। अगले दिन शाके ने शिंगयुन की डेस्क पर ब्रेकफास्ट रखा होता है। ये देखकर शिंगयुन चौंक जाती है। ये आइडिया शाके को शेनचिंग ने ही दिया होता है। मीटिंग के बाद हेयू शिंगयुन को नेकलेस देने जा रहा होता है। शाके उससे कहता है कि TIG के किसी एम्प्लॉय को कोई दूसरी कंपनी का जो कि TIG के साथ पार्टनरशिप में है वो इतना महंगा गिफ्ट देगा तो उसे घूस माना जाता है। तो अगर वो शिंगयुन को ये देना चाहता है तो उसे तब तक वेट करना होगा जब तक हेयू का कॉन्ट्रैक्ट TIG के साथ ख़त्म ना हो जाए। हेयू कहता है कि वो तब तक वेट कर सकता है। याचिंग का आज बर्थडे होता है तो वो शाके से पूछती है कि क्या आज रात वो फ्री है। शाके कहता है कि वो बिजी है। याचिंग कहती है कि वो आज रात उसका वेट करेगी। ये कहकर याचिंग चली जाती है। हेयू शिंगयुन को नेकलेस देने आता है पर शिंगयुन वो नहीं लेती है। रात में याचिंग शाके का वेट कर रही होती है पर एमी आकर शाके की तरफ से उसे गिफ्ट देकर चली जाती है। शाके का गिफ्ट सेम ईयरिंग होती है जो कि हेयू ने उसे गिफ्ट की होती है। याचिंग शाके को मैसेज करके कहती है कि वो उसका वेट अभी भी कर रही है पर शाके वहाँ पे नहीं आता है। याचिंग शाके का दिया गिफ्ट वहाँ की एम्प्लॉय को देकर चली जाती है। शिंगयुन को मैसेज आता है कि उसके क्लास की रियूनियन पार्टी होने वाली है। शिंगयुन मैसेज करती है कि वो बिजी होने के कारण नहीं आ पाएगी। तभी शिंगयुन की क्लासमेट जिंग उसे कॉल करके पार्टी में आने को कहती है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। शिंगयुन वहाँ पे आ जाती है। जिंग उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है तो क्या वो उसका वेडिंग इनविटेशन डिज़ाइन कर सकती है? शिंगयुन मान जाती है। जिंग शिंगयुन को उसके क्लासमेट वांग नान के साथ कॉफ़ी पीने लाती है। वांग नान कहता है कि वो शिंगयुन जैसी सीधी सादी लड़की से शादी करना चाहता है जो अपने पति के पैसे ज़्यादा खर्च ना करे और जिसे कभी इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट ना देना पड़े और जो हमेशा बच्चों को पाले और घर में रहे हाउसवाइफ बनकर। हेयू वहाँ पे मीटिंग के लिए आया होता है तो ये सब सुनकर वो वहाँ पे आता है और शिंगयुन को कहता है कि वो उसे रिजेक्ट करके ऐसे लड़के के साथ क्या कर रही है। शिंगयुन वांग नान को मजा चखाने के लिए हेयू को उसे नेकलेस पहनाने को कहती है। हेयू उसे नेकलेस पहना देता है तो जिंग कहती है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव नेकलेस है। शिंगयुन कहती है कि वो वांगनान जैसे इंसान से कभी भी शादी नहीं करेगी क्योंकि वो उसके खर्च ही अफोर्ड नहीं कर पाएगा। शिंगयुन हेयू के साथ चली जाती है। हेयू शिंगयुन को कहता है कि उसने आज उसकी हेल्प की है तो उसे उसके साथ डिनर के लिए चलना होगा। दोनों डिनर के लिए आ जाते हैं। हेयू बातों बातों में गलती से शिंगयुन को बता देता है कि जिस दिन ह्यूमन ट्रैफिकर शिंगयुन के पीछे पड़े थे उस दिन शाके ने उसे झूठ बोलकर वहां बुलाया था। ये सुनकर शिंगयुन गुस्सा हो जाती है और ड्रिंक करने लगती है। शिंगयुन कहती है कि शाके ने आज तक उससे उस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी और ये बात भी छुपा के रखी। शिंगयुन ड्रिंक करते करते शाके की बुराई करने लगती है। हेयू उसे रोकने की कोशिश करता है पर शिंगयुन नहीं रुकती है। चुनैन हेयू और शिंगयुन को साथ देखकर शेनचिंग को कॉल करके ये बात बता देता है। शिंगयुन हेयू को कहती है कि अगर शाके गुड लुकिंग और टैलेंटेड नहीं होता तो कोई भी उसका दोस्त नहीं होता। शिंगयुन वॉशरूम चली जाती है। शाके शिंगयुन को कॉल करता है पर हेयू उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। शाके रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहाँ वो कुछ लड़कियों को कहते सुनता है कि रेस्टरूम में एक लड़की बहुत ज़्यादा ड्रंक है। शाके वहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर उसे शिंगयुन मिलती है।
शाके को देखकर शिंगुन कहती है कि उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। शाके कहता है कि शिंगुन सच में कुछ ज़्यादा ही ड्रंक है। शिंगुन शाके को उससे माफ़ी मांगने को कहती है। शाके पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वो क्या कह रही है। शिंगुन कहती है कि वो शाके से गुस्सा है। शाके शिंगुन को उसके साथ चलने को कहता है, पर शिंगुन शाके को टिकल करने लगती है। शिंगुन नीचे बैठ जाती है। कोई रेस्ट रूम में आ रही होती है तो शाके साइड होने के लिए शिंगुन के क्लोज़ हो जाता है। शाके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और शिंगुन को किस कर देता है। पर तभी शाके को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है, तो शाके उठ जाता है। पर शिंगुन उठ कर उसे किस करने लगती है। तभी वहाँ पे हेयू आ जाता है। हेयू ये देख कर कहता है कि शाके रूल्स तोड़ रहा है। शाके शिंगुन के गले में हेयू वाला नेकलेस देख कर वहाँ से चला जाता है। हेयू शिंगुन को ले जाने लगता है। शाके अपनी कार से जा रहा होता है और किस के बारे में सोच रहा होता है। शाके रेडियो ऑन करता है तो उस पर भी किस वाला सॉन्ग ही प्ले हो रहा होता है, तो वो तुरंत रेडियो बंद कर देता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।